हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं हूं मनीष और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह की स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हैं 3D बिहाइंड ऑब्जेक्ट वाली, तो फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग के लिए मैंने जो भी मटेरियल्स का यूज़ किया उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद चलेंगे फोन के स्क्रीन पर, ओपन करेंगे नोट एप्लीकेशन को, एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स चलते फोन के स्क्रीन पे, ओपन करते हैं नोट वीडियो एप्लीकेशन को, एडिटिंग करते हैं स्टार्ट। सो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। देन ऊपर जो मिनी मोड के ऊपर जो एरो दिख सकता है, इस पे आपको सिंपली आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स लोड प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपका फाइल मैनेजर ओपन होकर आ जाएगा। मैंने ये वाला फाइल 3D एडिटिंग ऑसम जीव करके जो आपको देखने को मिल रहा है, मैंने इसका जो फाइल है आपको दे दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसकी मदद से डाउनलोड कर लीजिए। देन डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इसे ऐड करना, तो ऐड करने के लिए आप जिस भी फाइल में होगा वहाँ पर जाइएगा और सिंपली इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ही यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा और ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर ऐड करने में आपको, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये वाली वीडियो का जो ये प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर ऐड हो चुका है, आप सिंपली इसे ओपन कर दीजिएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ जो ग्रुप लिखा हुआ है इस पर आपको सिंपली टैप कर देना है, आपके सामने पूरा का पूरा फाइल यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी आपको सबसे पहले ऑडियो को सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स ये ऑडियो जो मैंने यहाँ पे ऐड किया तो ये थोड़ा सा कम है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ग्रुप पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइल के अकॉर्डिंग मेरा ऑडियो जो है कम है, तो आपको 30 सेकंड का ऑडियो ले लेना है। तो सबसे पहले तो इस सॉन्ग को सिलेक्ट करते हैं और फ्रेंड्स 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देन इस साइड में स्क्रॉल कीजिए, छोटा वाला जो रेड बटन देख सकते हो प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करना है और लोड फ्रॉम फाइल का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपका फाइल मैनेजर ओपन होकर आ जाएगा, तो मेरे में ऑडियो का फाइल ऊपर में आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। देन आपका जहाँ पे भी ऑडियो होगा वहाँ से एक ऑडियो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब जो भी ऑडियो सेलेक्ट कीजिएगा आप चेक कीजिएगा कि वो 30 सेकंड का हो, तो मैं यहाँ पे इस वाले ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ और 30 सेकंड से ज़्यादा का ऑडियो है तो अभी जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करेंगे। तो उसके लिए इसे लेकर आ जाइएगा आगे की तरफ, यहाँ पे देख सकते हैं एकदम बराबर में मैंने रख लिया। देन यहाँ पे ऑडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, ट्रिमर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, एक्स्ट्रा जो है कट जाएगा। अभी इसे सिलेक्ट कीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इसे कर दीजिएगा डिलीट, तो यहाँ से एक्स्ट्रा जो है डिलीट हो गया। अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे बैक आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, मॉडल अपना चेंज कर लेना है, क्योंकि मॉडल के अलावा और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ मॉडल चेंज करना है। तो फर्स्ट वाला मॉडल जो ये वाला देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला मॉडल, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और रिप्लेस वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं इस तरह से आ जाएगा, आपका फाइल जो होगा गैलरी ओपन हो जाएगा। देन जिस भी फाइल में आपका PNG आप रखे होंगे वहाँ पे सिंपली चले जाइए और फ्रेंड्स वहाँ से आपको PNG सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला जो देख सकते हैं ये वाला फाइल है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर दो। देन कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा। देन इसे थोड़ा सा हमें जूम करना होगा क्योंकि काफ़ी छोटा लग रहा है और इसे नीचे भी थोड़ा करना होगा। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम एक ही बटन की मदद से इसे जूम आउट जूम इन कर लेते थे, बट अब दोनों बटन की मदद लेनी होगी क्योंकि इससे अगर बढ़ाते हैं तो इसे नीचे वाले को इसे बढ़ाते हैं तो इसे चौड़ा हो जाता है और इससे ये छोटा होता है बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों को बराबर बराबर बढ़ा लेना है ताकि आपके एकदम एडजस्टेबल रहे, मतलब अच्छा लगे देखने में ये जो मॉडल है सो। तो अभी ये सही लग रहा है, अब इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि कितना प्यारा है। तो ये सही लग रहा है, अभी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है। थोड़ा सा इसे और लंबा करते तो यहाँ पे क्लिक करते और इसे ऊपर की तरफ कर देते तो ये सही अब लग रहा है, इसका पोजीशन जो है सब सही लग रहा है। नेक्स्ट वाले इमेज पे आइएगा, तो यहाँ पे मॉडल 2 जो ये वाला मॉडल देख सकते हैं, ये सीधा मॉडल लिखा हुआ है तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, रिप्लेस वाले ऑप्शन पर टैप करना है, यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। आपको एल्बम में जाना है, जिस भी फाइल में आपका इमेज होगा उस फाइल में चले जाना है, तो यहाँ पे देखते हो फोटो रूम में और यहाँ से नेक्स्ट वाला इमेज आप जो भी यहाँ पे लगाना चाहते हो उसे सिंपली ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारी इमेज रखा हूँ तो मैं इसमें से ये वाला इमेज को नेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, देन नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉडल जो है वो भी आप ऐड हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये तो अच्छे से ही एडजस्ट हो गया, बट अगर आप इसे बढ़ाना चाहते घटाना चाहते हो तो बस इस दोनों बटन की मदद से स्केल का फर्स्ट बटन और सेकंड बटन दोनों की मदद से आप इसे जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं, मतलब बड़ा कर सकते हैं और चौड़ा कर सकते हैं। तो देख सकते परफेक्टली यहाँ पर ये ऐड हो चुका है।
तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम इसमें कुछ भी नहीं चेंज करना, जो भी चीज़ है आप सारी चीज़ें यहाँ पे रहने दीजिएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्काई में थोड़ा एस्प्लिट टाइप का इफेक्ट आपको मिल रहा है। अगर आप चाहे तो इस ग्लो इफेक्ट को हटा भी सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्काई जो है इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जो ये फायर वाला फाइल है इसे सेलेक्ट कीजिएगा, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप डिलीट वाले ऑप्शन पर टैप कर दीजिए, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों को वो पसंद नहीं भी आएगा, इसलिए मैंने इसे हटा दिया। तो मैं अपने में रहने देता हूँ क्योंकि मुझे सही लगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देन इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स नीचे जो एरो देख सकते हैं इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने बाद ये ग्रीन वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।